हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजमन और आप देख रहे हैं टेकी समन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने यूट्यूब वीडियो के वॉइस को प्रोफेशनल कैसे बनाएं और उसको अच्छी क्वालिटी में कैसे बदलें ताकि लोगों को सुनने में और भी अच्छा लगे और आपका ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ता रहे। देखिए, आप कोई भी मैक यूज करते हो, चाहे आप बोया का मैक यूज कर रहे हो, चाहे फोन का मैक यूज कर रहे हो, चाहे आप ईयरफोन यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी मैक यूज कर रहे हो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, एक बात आपके दिमाग में ये बात मैं डाल देता हूँ, आपको पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मैक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास पर्सनल जो भी जुगाड़ है, जिससे आप वीडियो बना रहे हैं, जिससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वही मैक से आप अपनी आवाज को प्रोफेशनल कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी चीजें भी बताने जा रहा हूं, एक रुपया भी आपको बर्बाद नहीं करना है। मैं यकीन मानो दोस्त, इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी हो जाएगी, लोग सुनेंगे तो बोलेंगे यार कसम से दिल खुश हो गया और आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता भी रहेगा, लोग किसी भी तरह का आपका वीडियो देख के बोर फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल के हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक की बात टेक की समन के साथ, चलिए पीसी में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ऑडेसिटी। इस सॉफ्टवेयर का हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, जो वीडियो आपने बनाया है उस वीडियो को पहले आप MP3 में कन्वर्ट कर लो। उस वीडियो को आप पहले MP3 में कन्वर्ट कर लो। MP3 में कन्वर्ट करने के बाद इसी सॉफ्टवेयर में हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट करने के लिए फाइल में जाएंगे, इम्पोर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, ऑडियो में जाएंगे। ये मैंने MP3 को कन्वर्ट करके रखा था, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर हमारे MP3 खुल जाता है इस तरह से। तो सबसे अच्छा जो सबसे पहला काम हमारा होता है यहाँ पर, वो आता है बैकग्राउंड नॉइस का। हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइस करना सीखेंगे, उसके बाद अपने आवाज़ को हम लोग प्रोफेशनल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रैक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। देखिए, ये बैकग्राउंड नॉइस आप देख रहे हैं ना, ये बैकग्राउंड नॉइस है, खाली है पूरा, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट में, उसके बाद फिर आएंगे नॉइस रिडक्शन में, उसके बाद हम क्लिक करेंगे गेट नॉइस में, है ना। उसके बाद फिर हम एक बार यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे इफेक्ट में, फिर आएंगे हम नॉइस रिडक्शन में, फिर हम डायरेक्टली ओके करने से पहले एक चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ पर जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, है ना, फिर ओके कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो ट्रैक देखिए आप, जो बैकग्राउंड नॉइस है ये पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी, मतलब ये पतला हो जाएगा। एक बार कर दिया, दो बार करना, एक बार और करेंगे हम लोग। देखिए, हो गया, देखिए पूरी तरह, मतलब जितनी भी बैकग्राउंड नॉइस है वो ख़त्म हो गई। एक बार और करेंगे ताकि थोड़ा सा भी नॉइस ना हो। फिर हम सेलेक्ट करेंगे ट्रैक को, फिर इफेक्ट में जाएंगे, नॉइस रिडक्शन, फिर गेट नॉइस में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इफेक्ट में जाएंगे, फिर नॉइस रिडक्शन, फिर डायरेक्टली ओके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड नॉइस ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपने वॉइस को प्रोफेशनल बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी हमारे HD बनाएंगे। वो करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग इसको एक बार जूम आउट कर लेते हैं इस तरह से। हम जाएंगे पहले ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम आएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट में आने के बाद हम आएंगे नॉर्मलाइज में। देखिए, यहाँ नॉर्मलाइज में क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे, है ना। ओके करने के बाद फिर हम लोग इफेक्ट में आएंगे, फिर हम आएंगे आप कंप्रेसर में, कंप्रेसर में क्लिक करेंगे। सेटिंग को अगर आपको, मेरा जो सेटिंग है वो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट है तो वो भी रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। हम इसको ओके कर देते हैं, है ना, इसी तरह से आपको भी करना है। देखिए, मैंने कंप्रेसर को भी मैंने ओके कर दिया। उसके बाद अब हम लोग अपनी आवाज़ को क्या करेंगे, इक्वलाइजेशन करेंगे, है ना। आवाज़ को अब हम लोग और अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे, वो किस तरह से, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इक्वलाइजेशन, है ना। इक्वलाइजेशन में क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर, देखिए बेस बूस्ट को सिलेक्ट करेंगे। बेस बूस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट ओके कर देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है सेटिंग को, डायरेक्ट ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर हम जाएंगे इफेक्ट में, है ना, फिर हम जाएंगे इक्वलाइजेशन में, फिर हम आएंगे यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, ट्रेबल बूस्ट सेलेक्ट करना है। देखिए, ये है ट्रेबल बूस्ट, ये झंकार वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 dB में सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, ये 3 dB है ना,
इसको मैंने 3 dB में सिलेक्ट कर लिया, फिर हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम लोग अपने वॉइस को एम्पलीफाई डालेंगे, मतलब हम अपने आवाज में अब एम्पलीफाई डालेंगे। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं वीडियो में लोगों को अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो उनको अच्छी तरह से वो सुना। अगर हम धीरे भी बोल रहे हैं तो उनको काफ़ी अच्छे से सुनाई दे, मतलब आवाज़ पूरी तरह से मेकअप कर देगा, सबका जो लेवल है वॉइस का वो मेकअप कर देगा। वो करने के लिए क्या करना होगा, हमें ट्रैक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट में। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एम्पलीफाई, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एलो क्लिपिंग में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट 3 dB सेलेक्ट करना है, 3 dB कर दिया। उसके बाद हम ओके में क्लिक करेंगे। देखिए पूरा वॉइस का जो बूस्टअप है वो बढ़ जाएगा। देखिए वॉइस का जो बूस्टअप है ना ये बढ़ गया, देखिए है ना। इसको एक बार हम प्ले करके देखते हैं कि आवाज़ की क्वालिटी कैसी है, नॉइस है या नहीं और आवाज़ कैसी है। हे गाइस, आप देख रहे हैं टेकी जमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कई सारे नए यूट्यूबर्स का एक सवाल होता है उनके दिल और दिमाग में, वाओ काफ़ी अमेजिंग वॉइस है, एक भी वॉइस नहीं है, HD क्वालिटी में है, एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। दोस्तों सोचिए एक नॉर्मल से माइक से मैंने रिकॉर्ड किया, लाइक ईयरफोन या फ़ोन के माइक से, और मैंने ऑडेसिटी में उसको एडिट कर दिया और वो जो मेरा आवाज़ है किसके लेवल में आ गया, जो महंगे महंगे जो माइक होते हैं रोड के माइक या 20,000 के माइक होते हैं उनसे अगर आप आवाज़ में कंपेयर करें तो दोनों की आवाज़ आपको अब सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आवाज़ को एडिट कर दिया। तो गाइज ये था सबसे बेहतरीन तरीका और बेस्ट तरीका अपने आवाज़ को एडिट करने का। दो चीज़ हम आपको और बता देते जो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न रहते, वो रहता है एक स्पीच को लेकर है ना, और दूसरा वॉइस स्पीड को लेकर, तीसरा वॉइस इको को लेकर। देखिए ये ऑप्शन आपको तीनों यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है ट्रैक को, इफेक्ट में आना है, यहाँ पर आपको चेंज पिच का ऑप्शन मिल जाता है। पिच का मतलब ये होता है कि आप अपने आवाज़ को मोटा पतला कर सकते हैं। अगर आपका आवाज़ मोटा है तो पतला कर सकते हैं। यहाँ पर से देखिए परसेंटेज का ऑप्शन है ना, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। परसेंटेज का ऑप्शन है, मोटा चाहिए तो मोटा, अगर पतला चाहिए तो पतला, आप अपने अकॉर्डिंग से चेक करते करते आप समझ लेंगे। एक बात और, अगर मान लीजिए आपको अपने आवाज़ में इको डालना है तो देखिए इको का ऑप्शन यहाँ पर है, इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पर इको का ऑप्शन मिल जाता है ना। अगर मान लीजिए आप अपने वॉइस का स्पीड थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेंज स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप अपने वॉइस को रिवर्ब करना चाहते तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। रिवर्स करना चाहते वो भी ऑप्शन मिल जाता है। हर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मुझे फुल ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, फुल ट्यूटोरियल अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट में तभी मैं फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। दोस्तों एक और ज़रूरी बात बताना था, जब आप अपने वॉइस को पूरी तरह से एडिटेड कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने वॉइस को एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने का तरीका ये, पहले आपको ट्रैक को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ पर लिखा होता है एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट किस में करना चाहते हैं, MP3 में या वेब में। मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप एक्सपोर्ट हैज वेब में करें, इसमें साउंड क्वालिटी और बेहतर बन जाती है। तो चलिए हम इसको वेब में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में आप किस लोकेशन में आप इसको सेव करना चाहते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर वॉइस करते हैं एडिटेड, मैंने एडिटेड कर दिया। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं यहाँ पर ई ड्राइव में, डायरेक्ट ओके कर दिया। देखिए ये हमारे लैपटॉप में ये सेव हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस आप अपने वॉइस को एडिटिंग कर सकते हैं और आप अपने YouTube वीडियो को और प्रोफेशनल बना सकते हैं ताकि आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा बनते रहे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करो यार। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।